नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। यूपी की जेलों में हो रही एक के बाद एक खूनी वारदातों से शासन प्रशासन सख्ते में आ गया है। इसी के चलते अब वो जेलों में से बंद कैदियों और उनकी बैरिकों में विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। आज हमीरपुर जिला कारागार में भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई प्रतिबंधित चीजें कैदियों के पास से बरामद हुई और तो और अवैध कच्ची शराब की भी मिलने से अधिकारी सख्ते में आ गए और उन्हें पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय में स्थित जिला कारागार में आज जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसडीएम ने कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी की। इस दौरान उन्हें जेल के अंदर कई प्रतिबंधित सामान बरामद हुए। कैंची, चम्मच, लोहे की कील, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट के साथ कच्ची शराब आदि के मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जेल कर्मियों को फटकार लगाते हुए उनके अंदर पहुंचने की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि जेल के अंदर ये सब प्रतिबंधित सामान कैसे और कब पहुंचा? एक रूटीन निरीक्षण था, डीएम और एसएसपी के लिए निर्देश हैं कि हम लोग सरप्राइज आकस्मिक निरीक्षण करेंगे जेलों का और ये सुनिश्चित करेंगे कि जेल में कोई आपत्तिजनक चीज़ें न मिले। उसी क्रम में हम लोगों ने आज ये सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में हमारी पूरी टीम थी, हम और पत्तान साहब, सीओ, एसडीएम, सेवामान्य हमारी टीम के सदस्य लोग थे। कुछ प्रतिबंधित चीज़ें ज़रूर मिली हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, पान के गुटखे हैं, सरोता है, कुछ कैंची भी बरामद हुई है। इसके अलावा करीब 600 ml कंट्री लीकर या कच्ची है, अभी उसको हमको जांच करना है कि क्या है, वो भी बरामद हुई है। तो ये डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम लोग शासन को भेज रहे हैं और उसमें जो भी गठनक कार्रवाई होगी उसको हम लोग से करवाएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।